देर शांत रहते हैं उतनी देर श्वास पर निगाह रखेंगे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, ऐसे पता नहीं चलता, तो पेट तो हिलता ही है श्वास के आने जाने से। कैसे भी श्वास पर नज़र रखेंगे और जैसे ही श्वास से नज़र हटी या मन थोड़ा चंचल हुआ, फिर उच्चारण में लग जाएंगे। हरि निश्चिंत हो जाओ, परमात्मा की गोद में बैठ रहो। वासुदेव सर्वमिति उपनिषद कभी देखोगे तो उपनिषद भी कहती है सर्व खलविदं ब्रह्म, तो अभी भी है, यहाँ भी है, तो आप उसकी गोद में ही बैठे हो। माँ की गोद में बच्चा जैसे निश्चिंत होता है, ऐसे हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं। निश्चिंत हो जाओ। हरि ओम। निर्भर हो जाओ। घोड़े के ऊपर बैठ के फिर अपने सर पे गठरी नहीं रखा करते, वाहन तो घोड़े को ही करना है, भगवान तो वहन करने में भी कोई सकुचाते नहीं है। गीता में स्पष्ट कह दिया, मधुसूदन सरस्वती जी के प्रसंग में स्पष्ट आता ही है, भगवान ने तो कह ही दिया गीता में, योग क्षेम वाम्यम, वो ही वहन करते हैं, सब सहन करते हैं, वहन करते हैं, वो ढोने में भी सकुचाते नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भेजेंगे, माँ किसी के बेटे को कोई कष्ट हो या कुछ हो तो भागकर दौड़कर माँ स्वयं ही दूर करती है। अन्य धर्म धर्म तो वस्तुतः है नहीं, संप्रदाय है, अन्य संप्रदायों में और हमारी सनातन वैदिक पद्धति में यही अंतर है कि यहाँ कष्ट को देखकर स्वयं हमारे ईश्वर ही अवतार लेते हैं। अन्य तो कोई अपने बेटे को भेजता है, कोई पीर पैगंबर को भेजता है, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति है कि सनातन संस्कृति में स्वयं ईश्वर ही अवतार ले लेते हैं, उनको अपनी भक्त का कष्ट देखा नहीं जाता। तो उनकी गोद जो है वो सनातन भी है। सनातन को व्याकरण दृष्टिया अगर देखेंगे तो भी सनातन का अर्थ इतना गूढ़ निकलता है कि वो एक वही ईश्वर के लिए, उपाधिक ईश्वर या निरुपाधिक ब्रह्म के लिए प्रयोग हो सकता है। हरि ओ उपनिषद के ऋषि प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ओम भद्रम कर्णे श्रुयाम देवा भद्रम पश्ये मांसभिर्यदत्ता तुष्टवान् व्यशेम देहहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो का ज्ञान है। पहले हमारी ये परंपरा थी, समय के
काल की धारा में चीजें बह गई या कुछ। माइक लगाना है आपको? हाँ लगाना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है वो उसमें रखा। उसका कारण ये है कि लोक सा हो गया। शांकर भाष्य में, भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में एक जगह लिखा है कि कोई व्यक्ति के घर में गाय भैंस रखते थे तो खूंटा गाड़ना था, कोई खूंटा उखड़ गया या गाड़ना था कोई, तो लकड़ी उन्हें कोई नहीं मिली, तो उन्होंने देखा कि एक लकड़ी जो थी पड़ी हुई थी और गोबर का ढेर, जिसको यहाँ दिल्ली हरियाणा की भाषा में कूड़ी भी बोलते हैं गोबर के ढेर को, उसमें वो दब गई थी लकड़ी। तो उन्होंने सोचा हमें अब ये इसकी जरूरत है और ये लकड़ी को हम खूंटे में उपयोग कर लेंगे, मोटा मोटी लकड़ी हो चाहिए होती खूंटे में। तो वस्तुतः खूंटा गाड़ने के लिए उसको बारीक बनाना पड़ता है एक साइड से, तब तो खूंटा गड़ेगा। तो छिलते गए उसको ऊपर से, जैसे छिलते जा रहे उसमें से खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। छिलते गए पता चला वो तो चंदन की लकड़ी थी। अब कभी बाप दादों ने चंदन घर में सुलभ था, चंदन की लकड़ी सुलभ थी, बाप दादे ले आए और वो ऐसे ही उसको बिना ध्यान किए या कुछ, आगे परंपरा लुप्त हो गई, नहीं तो चंदन सामान्य उसको संभाल के रखना था, संभाल के नहीं रख पाए। लेकिन जब निकाला और घिसाई हुई तो पता चला ये तो कुछ और है। तो हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें बीच के काल में कुछ लोप सा हो गया, प्रचार प्रसार कम हो गया और लोगों की रुचि नहीं रही। ये मंत्र इत्यादि जो बड़े कठिन जान पड़ते हैं, ये तो बड़े घर घर में उच्चारित होते थे, कुछ कठिन नहीं थे। लेकिन अब इनके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जो जैसे वो लकड़ी खूंटे की एक गोबर के ढेर में हो गई थी, फिर कुछ समय घिसाई करने, उसने कोई अपनी सुगंध थोड़ी छोड़ दी थी, कुछ समय के लिए आवरण ही तो आ गया उसपे, वो ढका गया गोबर कूड़ा कवड़ा चढ़ गया। लेकिन जब सफाई की तो यही कार्य जो होता है, यही संस्कारित करने का कार्य गुरु करते हैं। जब कूड़ा कवाड़ा जम जाता है, इसमें क्या है कि अब तो देखो, संत तो कोई भी होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं संत की कोई जाति नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई संत की बात हम नहीं कर रहे हैं। संत किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं, इससे कोई हो गए, कोई हमें रंज मात्र भी परहेज नहीं है। लेकिन वेद और उपनिषद जिस बात को प्रमाणित करते हैं वो कहते हैं कि आचार्य पद पर बैठने का अधिकार या जो है वो केवल जो है ब्राह्मण शरीर के ही महात्मा को है। संत कोई भी हो सकते हैं, संत का संग करना चाहिए, कहीं भी संग करो संत का। लेकिन कहते हैं ना कि ये तो पूर्ण रूप से सुशोभित होते हैं, तो सुशोभित तो ब्राह्मण शरीर का ही व्यक्ति हो सकता है उस पद पर। क्योंकि जब कहा जाता है उपनिषद में कि कोई जिज्ञासु जब ज्ञान पाने के लिए चल पड़ता है निकल के, तद विज्ञानार्थ, मतलब उसको जानने के लिए, उसके विज्ञान के लिए, उस एक ब्रह्म को जानने के लिए, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जब निकलता है जिज्ञासु समीत पाणी होकर। समीत पाणी का मतलब आप लोग सुनते होंगे, जिन्होंने नहीं सुना उनको बता दें, जो सुनते होंगे उनको दोहरनी हो जाएगी कि भाई समीत पाणी और होकर, और फिर वो चलता है गुरु के पास और गुरु मेवा अभिगच्छेत। तो कहते हैं कैसे गुरु के पास, बोले श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो श्रोत्रिय हों ब्रह्मनिष्ठ हों,
अब क्षोत्रिय हो सकता है केवल ब्राह्मण शरीर का मात्र, जन्मना ब्राह्मण होना चाहिए, जन्म ब्राह्मण घर में होना चाहिए, तब वो क्षोत्रिय कोटि में आता है। ब्रह्मनिष्ठ तो कोई भी हो सकता है, कोई संत को अच्छा ज्ञान है, लेकिन जो विधान है, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो विधान से ही जाननी चाहिए, उसमें विधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संत संग करने के लिए हम कोई मना नहीं करते, लेकिन जहां आचार्य या गुरुपद की बात आएगी वहां क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही होने चाहिए। स्पष्ट लिखा है वेद में, पढ़ लो, हमने कोई अपने पास से तो बनाया नहीं। समित पाणी मतलब पहले क्या होता था, गुरु लोग यज्ञ करते थे तो हवन के लिए यज्ञ के लिए लकड़ियों की संविदाओं की जरूरत पड़ती थी, तो सूखी लकड़ी को समित पाणी बोलते हैं। समित पाणी मतलब हाथ में लेके जाता था ना, समित पाणी होना मतलब हाथ में लेके जाना, हाँ संविदा जो है। अब संविदा कोई नहीं समझता होगा तो उसको फिर लकड़ी बताना पड़ता है ना, तो नहीं समझता, इसलिए कई लोग आजकल ये शब्द भी नहीं सुने होते कई बार, इसलिए फिर लकड़ी शब्द बोलना पड़ा, अभी तो लकड़ी नहीं बोला जाता। तो पहले ऐसे लेके जाते थे और वो जो इस तरह से सूखी लकड़ी होती थी वो इस चीज का बोधन कराती थी कि मैं वैराग्य पूर्ण हूं और विषय मेरे जीवन से सूख चुके हैं। सूखी लकड़ी मतलब विषय मेरे जीवन से सूख चुके हैं गुरुदेव, अब मैं आपकी शरण आया हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। और वो गुरुकुल में आचार्य होते थे ब्राह्मण पद पर, फिर वो उसका उपनयन संस्कार करते थे, उपनयन संस्कार था जनेऊ, उपनयन संस्कार करने के बाद में फिर उनको वो व्याकरण पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, क्षण दर्शन पढ़ाते थे, वेदांत पढ़ाते थे, वो बिल्कुल गुरुकुल में रखकर ढालते थे। ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी बिना पढ़े लिखे मैदान में कूद गए बोले हम बन गए संत महात्मा, वो पद्धति नहीं थी। तपता था विद्यार्थी और तपने के बाद फिर वो निखरता था और वैसी फिर समझ भी होती थी, लेकिन समय के साथ चीजों का लोप होता गया तो फिर बीच में ईश्वर क्या है कि कुछ ना कुछ जब कोई शुद्ध चीज नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो थोड़ा मिक्सचर करके भी ईश्वर को व्यवस्था बनाते हैं, क्या करें, फिर मिक्सचर में फिर इतने सारे गुरु और संप्रदाय आके खड़े हो गए। वस्तुतः अगर हम पूरी शास्त्रीय पद्धति से कहें तो उनको आचार्य होने का अधिकार नहीं है, संत हो सकते हैं, संत में नहीं लेकिन आचार्य पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था ही जानो उसको भी, हम तो ये कहते हैं ये भी ईश्वर की लीला है, क्या करेंगे। जब कोई व्यक्ति जो है शुद्ध संस्कृत भी ना समझ पाएगा तो उसको हिंदी पढ़ाई जाएगी, जब कोई शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ा जान पाएगा तो उसको मिक्स हिंदी, दिल्ली वाली हिंदी, अरे मेरे को तेरे को, अरे ये एक्चुअली थोड़ी हिंदी थोड़ी अंग्रेजी मिक्स, वो पढ़ाई जाएगी। जब वो भी किसी को नहीं पल्ले पड़ रही होगी तो थोड़ी पंजाबी मिक्स बताई जाएगी, ज्ञान तो देना है उसको। इसीलिए फिर बीच बीच में कुछ 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 मध्य काल में कुछ संप्रदाय आगे खड़े हो गए, कुछ अलग अलग गुरु आ गए, वो क्या करें, ईश्वर ने व्यवस्था बनाई, उनको भी करना था, ईश्वर को भी व्यवस्था बनानी थी, तो फिर थोड़ा बहुत चल लेते हैं, राम का नाम ले लो जी, राम का नाम दे देते हैं, कुछ ना कुछ लोग जपते हैं, चलो ना करने वालों से वो अच्छे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट है, भगवद गीता में स्पष्ट है, सब जगह स्पष्ट है कि जो मुझे जिस जिस भाव से पूछता है मैं उसको उस भाव में प्राप्त हो जाता हूँ और वहीं से उसको लाभ दे देता हूँ, लाभ तो मिलता है। लेकिन जहां बात आती है शास्त्रीय पद्धति से 100% लाभ लेने की, पूरा लाभ उठाने की, शास्त्रीय पद्धति से चलने की, वो तो एक बात निराली होती है, वो तो एक अलग ही बात है, उसमें तो फिर पूरे नियम लागू होते हैं और वो नियम पूरे फिर एक विधि से, विधान से, वैदिक मंत्र की दीक्षा होती है और वो वैदिक मंत्र को गुरु ने नहीं बनाया है, गुरु का उसमें चक्कर नहीं है कि गुरु ने अपने नाम का नाम बना दिया, माना हमारा नाम कुछ है और हम अपने नाम के साथ कुछ जोड़ दें, या ऐसी कोई बोल दे सुमरो राम सुमरो शाम, वो नाम जपने के लिए अच्छा है, बुराई हम उसमें भी नहीं कह रहे, लेकिन यदि कोई शुद्ध ये चाहता है कि मेरे जीवन में तो एकदम क्रांति आए तो फिर उसको उस क्रांति वाली पद्धति से चलना पड़ेगा। गुरु हो ऐसे बोलते हैं ना कि
पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, ऐसे बोलते हैं ना। वो जानेगा गुरु को कि गुरु के जो लक्षण शास्त्र ने दिए हैं क्या, उस लक्षण के जो हैं सारी बातें जो मैंने सुनी हैं, वो लक्षण के आसपास कहीं गुरु बैठते हैं क्या, गुरु का जिन गुरु से मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं क्या उनका ब्राह्मण शरीर है, क्या वो जो हैं क्या वो वेद और वेद के अंग, वेद विद्या के अंग के प्रति निष्ठा रखते हैं, ब्राह्मणों कार्य मलेच्छ जैसे करते हैं वो गुरु सामान्य से तो वो भी अच्छे, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि क्या वेद के अंग पर वो उनका कोई अधिकार है, क्या वो उनको वो वैदिक जीवन जीते हैं, वो खुद उनकी वैदिक प्रणाली पर वैदिक पद्धति पर उनकी निष्ठा है कि नहीं है। तो जब इस प्रकार से ये पूरी पद्धति से चला जाता है फिर लाभ भी पूरा होता है, लाभ भी पूरा होता है। मंत्र जो गुरु दे रहे हैं क्या वो वैदिक है, हमारे पुराण में या वेद में कहीं आया है, प्रमाणित है या स्वयं ही घड़ दिया गया है। आजकल ऐसा भी चल रहा है ना, बहुत सारे संप्रदाय में अपना ही कोई मंत्र चल जाता है, वो प्रमाणित नहीं है ना भाई। हम गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, शास्त्र गलत नहीं हो सकता। शास्त्र आज से नहीं है, जब भगवान राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, शास्त्र उनके भी पहले थे, उन्होंने भी पढ़ा है कहीं जाके गुरुकुल में। भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के पास जाके पढ़ते हैं, भगवान राम भी पढ़ते हैं गुरुकुल में, उनको भी हो। इसका मतलब ये है कि शास्त्र उनसे भी बड़ा है। और ये बात तो आप लोगों ने संतों के मुख से मोटी मोटी सुनी ही है कि राम से बड़ा राम का नाम। इसका रहस्य क्या है, राम से बड़ा राम का नाम। और मोटा मोटा संत लोग सुनाते भी हैं कि राम जी के नाम के पत्थर तैर रहे थे, राम जी ने डाला पत्थर डूब गया। ये तो कथा सुनी होगी आप लोगों ने, आजकल के कथाकार सुनाते हैं, लेकिन इनके पीछे रहस्य क्या है हमें तो वो समझना है ना भाई। राम शब्द ये नहीं है कि दशरथ के पुत्र राम हुए वो केवल राम है, कृष्ण है वो कृष्ण खाली ये नहीं है कि यशोदा नंदन है, वो तो है ही, पूजनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है, लेकिन उनसे भी पहले ये नाम तो वेद में विद्यमान है। राम शब्द को आप देखोगे तो राम शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण दृष्टिया भी कैसे, रम क्रीड़ायाम धातु होती है, एक रूट वर्ड जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी वाले रूट वर्ड बोलेंगे और संस्कृत वाले उसको रमु क्रीड़ायाम धातु बोल रहे हैं, धातु बोल रहे हैं। उस रमु क्रीड़ायाम धातु में भाव में घ प्रत्यय हुआ, घ प्रत्यय में यकार चला गया उसका, कुछ सूत्रों से अनुबंध का लोप हो गया यकार का, हलंत्यम से गया, तस्य लोप से लोप हो गया, घकार चला गया उसका, घकार से, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ व्याकरण वाले लोग भी बैठे हैं, घकार चला गया उसका, लसकवत से फिर आ मात्र शेष बचा, उधर रमु में उकार चला गया, उपदेशी अजनुनासिकित से तस्य लोप से लोप हो गया, रम बचा, उधर उधर घ बचा, गए जो था यित प्रत्यय था, अतः उपधाया से उसको उसकी उपधा को दीर्घ हो गया, रास रा से रा हो गया वो, और माँ में आ मिल गया राम, और फिर उसमें सा सजु स, फिर सु आया, सु जस अमुक्षस से 21 विभक्तियाँ आई, फिर उसमें सु प्रत्यय आया, सु प्रत्यय का फिर उकार चला गया उपदेशी अजनुनासिकित से, फिर तस्य लोप से लोप हो गया, फिर वो रामस हो गया, फिर सा सजु स रू से रामस से वो रामर बन गया, रामर से वो विराम अवसान सूत्र से वो फिर उसकी विराम संज्ञा होकर खर अवसान विसर्जनीय से फिर वो रामर का रेफ जो है वो चला गया, वो विसर्ग में परिणत हो गया, तो बन गया रामः। तो ये रामः अभी नहीं है, मतलब ये व्याकरण की थोड़ी सी आप लोगों को मसाला तो इसलिए खिला दिया, आप लोग कुछ व्याकरण पढ़ते हैं इसलिए थोड़ा जो पढ़ते हैं ना उनको उनके विषय की बात कर दो तो अच्छी लगती है। बाकी तात्पर्य ये है कि ये राम शब्द तब से कब से है, आज से नहीं। अर्थ क्या है रमु क्रीड़ाया, मतलब रमन्ते योगम यशो, जिसमें योगी लोग रमण करें उसको राम कहते हैं। तो केवल वो दशरथ नंदन राम की बात नहीं है, दशरथ नंदन राम तो रूढ़ हो गया, रूढ़ का मतलब प्रचलित हो जाना, मतलब रूढ़ का मतलब प्रचलित हो जाना, वो तो प्रचलित होगा,
कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, ये पहले से विद्यमान है हमारे नाम शास्त्र में, प्रमाणित है, ये प्रमाणित है इस तरह से। और गंभीरता से जाओगे तो हर हर अक्षर की अपनी एक शक्ति है, चिंत शक्ति अचिंत शक्ति, वो तो एक अलग व्याकरण का गंभीर विषय है। तो ये जो प्रणाली है, ये जो पद्धति है, ये प्रमाणित है, शास्त्र में लिखी हुई है, शास्त्र आज से नहीं है, पता नहीं कब से है, सृष्टि के आदिकाल अनादिकाल अनादिकाल से है। उसको आदि में लाने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत पुराना बन जाता है, और जब अनादि में लाने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत पुराना। तात्पर्य यह है कि कोई 10-20 या 50-100-200 साल पुरानी बात नहीं है। आज के जो गुरु लोग हैं वो तो कितने